तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि जब हम तैयार होते हैं घर से बाहर जाने के लिए पर हमारा फ़ोन तैयार नहीं होता, वो कहता है लो बैटरी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम आहूजा और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल ट्रिक्स जिससे आप अपने फ़ोन की बैटरी को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जिंग टाइम मेनली डिपेंडेंट होते हैं जो चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं उन पर, और ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप वही चार्जर यूज़ कीजिए जो आपके फ़ोन के साथ आए हैं, या फिर आप क्विक चार्जर यूज़ कीजिए, पर उससे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका फ़ोन क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। और फिर आपको एक रिकमेंडेशन और मिलती है कि आप वही USB केबल यूज़ कीजिए जो आपके फ़ोन के साथ आई है, क्योंकि करंट फ्लो उससे कांस्टेंट रहता है, जो आपके फ़ोन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करंट फ्लो होता है। और एक छोटी सी मिस्टेक जो हम जल्दबाजी में करते हैं कि चार्जर को USB केबल से ढंग से अटैच नहीं करते, जिसकी वजह से फ़ोन चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये हमेशा बेहतर रहता है कि इस चीज़ को हम एक बार डबल चेक कर लें। और अगर आपके फ़ोन में बैटरी कम है तो वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS बंद कर लें या फिर एयरप्लेन मोड ऑन कर लें, इससे आपके फ़ोन की बैटरी पहले से ज़्यादा चलेगी। और एक बात और, अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब भी वो बैटरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसेस अभी भी जारी हैं, और इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फ़ोन को पावर ऑफ करके चार्जिंग पे लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है फ़ोन। फिर आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, एम्पियर मीटर जिसका नाम है, जो आपको बताएगा कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है और बैटरी का टेम्परेचर कितना है। और जैसे अब मैं अब एक चार्जर लगा रहा हूँ जिसका आउटपुट है 1 एम्पियर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनपुट भी दिखा रहा है 1 एम्पियर, तो ये एक अच्छी बात है कि मेरे चार्जर में और USB केबल में कोई ख़राबी नहीं है। और फिर आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐप्स मिलेंगे जो क्लेम करते हैं कि वो फास्ट चार्जिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि 40% कर देंगे सिर्फ 20 मिनट में, पर मेरे लिए तो ये कभी काम किए नहीं। और अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो ज़रूर जाके कीजिए। फिर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि आप फ़ोन को चार्जिंग करते वक्त यूज़ ना कीजिए, क्योंकि एक तरफ से तो आप बैटरी फुल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से CPU इंटेंसिव टास्क बढ़ रहा है तो फ़ोन ओवरहीट होगा। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थी जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपने फ़ोन को जल्दी चार्ज करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।